हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए है। वर्गोस, देखते हैं साल का आखिरी महीना दिसंबर आपको क्या देकर जाएगा। इसमें हम आप चेक करेंगे आपके लव रिलेशनशिप और आपका करियर यानी कि आपके मनी मैटर्स। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद ही आप व्हाट्सएप करें। तो चलिए वर्गो, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वर्गो, सबसे पहले चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप को। आपके रिलेशनशिप के दिसंबर में सिचुएशन क्या रहने वाली है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। वर्गो, किंग ऑफ कप, आप किसी रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बैलेंस आदमी तब करता है जब सिचुएशन जो है ज्यादा खराब हो जाती हैं और एक सिर्फ रिलेशनशिप के अलावा और दूसरी चीजें भी उसकी लाइफ में होती हैं। तो आप मुझे बैलेंस करते हुए और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप रिश्ता भी चाहते हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुई और दूसरी चीजें भी चाहते हैं। वर्गोस, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहने वाली है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। वर्गोस, जिस पर्सन को दिमाग में रख के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके दिसंबर में उनको लेके क्या फीलिंग रहने वाली है। द हायरोफेंट, उनकी फीलिंग अच्छी है, ट्रेडिशनल अप्रोच रखते हैं आपके पर्सन। हो सकते हैं मेंटर हो, टीचर हो, किसी काउंसलिंग के प्रोफेशन में हो। वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ में, और मुझे लगता है कि वो आपको अप्रोच भी करेंगे। और इसके लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप कमिटमेंट सोच रहे थे कि आपके पर्सन आपके लिए बात अपने घर में करें, तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो एक्शन लेंगे। क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ये देखते हैं, प्लीज यूमैन गाइड कीजिए। इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, देखिए, आपके पर्सन ने कुछ रिचुअल्स, कुछ बात करने की कोशिश करी और आप पार्टी के मोड में आ गए, यानी कि हंसी खुशी का टाइम रहेगा। कुछ अच्छी खबर आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड मिल सकती है। ये आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है और आपका सोशल कनेक्टिविटी भी हो सकती है, कोई सोशल गैदरिंग भी हो सकती है जहां पे आप अपने फ्रेंड से मिलें। देखते हैं आपके खुद के एफर्ट इस रिलेशनशिप को लेके दिसंबर में क्या रहने वाले हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स है, थोड़ा सा मुझे आपके एफर्ट की तरफ से यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आया है कि आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपने ज्यादा मेहनत करी थी तो अब आप ना करके दूसरा करें। या ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज में स्टक हैं जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव आप नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप का आया था कि आपके रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है वो बैलेंसिंग की है, यानी कि आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन पूरे तरीके से चाहते हैं, यानी कि जो भी कुछ रिलेशनशिप में सारी चीजें हैं कंप्लीट हो, जैसे आपका करियर कंप्लीट हो। इसके अलावा हो सकता है कि आपके घर के कुछ मसले हों, इसके अलावा आपकी फैमिली हो सकती है, तो सारी चीजों को आप जो है मैनेज करना चाहते हैं। तो एक किंग के मोड में आप थे, लेकिन यहाँ पे जो आपके एफर्ट हैं उनमें मुझे थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, थोड़ी सी आप मुझे प्रॉब्लम में नजर आ रहे हो। देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या आपके लिए है, कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है, एट के बाद सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो देखिए, मैं बताऊं कि आपको थोड़ा सा सिचुएशन जो है आपकी बहुत अच्छी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक आपका सिक्स ऑफ पेंटिकल का आया है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में नहीं था। सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है, कुछ सचेत रहने की आपको इस रिलेशनशिप में जरूरत है।
कोई एक पर्सन इसमें से ऐसा भी हो सकता है जो जान मुझ के दूसरे पर्सन को चीट करे। एट ऑफ सॉर्ड्स है, ये आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी हमने देखी थी काफी अच्छी थी। आपके पर्सन जो हैं काफी ट्रेडिशनल मोड में हैं, अपनी फैमिली से हो सकता है बात कर रहे हो। ये भी है आपके पर्सन का कि वो इस रिलेशनशिप को पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो और कुछ रिचुअल कर रहे हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगी, इस टाइम पे एक कार्ड अब आपके पर्सन की तरफ से निकाल लेते हैं और एक आपकी तरफ से निकाल लेते हैं, जो कि कंपैरिजन हो जाएगा कि इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए ज्यादा पॉजिटिव कौन है। तो ये कार्ड निकालते हैं हम आपकी पर्सन की तरफ से। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए वर्गो के पर्सन की एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेके। फाइव ऑफ वेंड्स की है, कंपटीशन बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई और पर्सन या फैमिली या किसी और दूसरे तरीके के मसले जो हैं आपके रिलेशनशिप में हैं। आप इस रिलेशनशिप में किस तरह की एनर्जी रखते हैं प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। किंग की एनर्जी आप रखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द टावर कार्ड आया है, एज ऑफ पेंटिकल आया है। 50-50% कहूंगी मैं वर्गोस, इस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो 50-50% चांसेस हैं। कोई डेफिनेटली इसमें कोई सिचुएशन आप लोगों की ऐसी बनी हुई है जिसको आपको सुधारना है, आप सुधार सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो हो इस समय अपने करियर पे काम कर रहे हो, या आपके पर्सन को लग रहा हो कि इस रिलेशनशिप तक पहुंचने के लिए आपके और भी लोग हैं जिनसे उनको मुकाबला करना पड़ेगा। करियर पेंटिकल आया है आपकी तरफ से भी, आप किंग की एनर्जी में है, सिचुएशन भी आपकी किंग की एनर्जी वाली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ एक मुद्दा जो है उसको सुधारा जा सकता है, सुधारना भी आपको चाहिए क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है। दिमाग में टेंशन, आपके पर्सन की तरफ से दिमाग में टेंशन, यानी कि ये एनर्जी जो है वो आपकी भी हो सकती है। और ये कार्ड हमने आप ही के उसमें निकाला था कि आपके क्या एफर्ट हो सकते हैं, तो आपके एफर्ट जो है इस समय बंधे हुए हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको बेचैन कर रही है तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अब देखते हैं कि आपके फाइनेंस, आपके मनी मैटर्स कैसे रहने वाले हैं। अब देखते हैं वर्गोस कि आप दिसंबर में आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं, आपके फाइनेंस की सिचुएशन कैसी रहेगी। करियर का कार्ड है, सिचुएशन मुझे लगभग लगभग काफी अच्छी लग रही है, सक्सेस लग रहा है मुझे। आप क्या फील कर रहे हैं अपने करियर को लेके प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए वर्गोस के करियर के लिए। वर्गोस क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि आपका करियर जो है वो उतना भी बुरा नहीं है वर्गोस जितना कि वो आपको लग रहा है। क्या हो सकता है आपके जॉब करियर के लिए नेक्स्ट। आप किसी पुश्तैनी काम में भी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, और जिस काम में आप हैं उस काम में आप काफी ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे साफ लगता है कि दिसंबर में आप काफी चीजों को अपडेट करने वाले हैं, यानी कि आप अपने काम में कुछ नया सीखने या सिखाने वाले हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके काम में, आपके लर्निंग में मूवमेंट होता है तो डेफिनेटली आपके काम और आपके प्रॉफिट में भी मूवमेंट होगा। डिवाइन की तरफ से आपके काम में क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या पॉजिटिव मोड हो सकता है प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। अगर कोई समस्याएं आपकी चल रही थी तो मैं आपको ये बताऊं कि उसके लिए ईश्वर उसका अंत करेंगे उन समस्याओं का, और आप एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये हो सकता है कि अगर आप किसी जॉब में आपको प्रॉफिट नहीं लग रहा था, या आपको उससे बेटर कोई जॉब मिल रही थी, तो पहली जॉब खत्म होकर आप दूसरी नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस में अगर आपके कहीं कोई डील फंसी हुई थी तो वो डील आपको मिल सकती है। अगर आपका बिजनेस में आपको लग रहा था कि कोई ग्रोथ नहीं है, तो यहाँ आप मुझे काफी चीजें सीखते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ रिचुअल्स भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ उपाय भी आप इस मंथ में करेंगे।
अपने काम की ग्रोथ के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल का आया है, काफी चीजें आप, मुझे यहां लगता है कोशिश मुझे इस मंथ में आप करते हुए लग रहे हैं और अब आपको उस कोशिश का फल चाहिए, नतीजा चाहिए। नया साल अच्छा चढ़े आपके लिए, एक ऑल ओवर एनर्जी आपके कार्ड करियर के लिए निकाल लेते हैं। चैरियट का कार्ड है, देखिए आपको मिलेगा सब कुछ, बस आपको कोशिश करते रहना है ईमानदारी के साथ में। एक तरीके से काम नहीं हो रहा है तो उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। सारा कुछ आजकल ऑनलाइन चला गया है, गूगल मोबाइल आपके हाथ में रहता है, गूगल में अपने काम से रिलेटेड चीजों को सर्च कीजिए और पॉसिबिलिटी को सर्च कीजिए कि आप उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली आपको मिलेगा, फायदा होगा आपको। यहां मुझे लग रहा है कि आप दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करेंगे, काफी मेहनत करेंगे और आपको अपने काम में अपनी मनचाही तरक्की चाहिए, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। द स्टार का कार्ड, उम्मीद मत हारिए। मुझे लगता है कि आपका नया साल जो है आपके रिलेशनशिप और आपके करियर को लेके काफी अच्छा जाएगा। तो पॉजिटिव सोचिए, ईमानदारी के साथ में काम कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तो वर्गोस, ये एक छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद ही व्हाट्सएप पे आइए, पर्सनल रीडिंग पेड है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।